बेंजर के एक्सपेरिमेंट में जो ये जो डीएनए का एक फ्रेगमेंट है, T4 बैक्टीरियोफेज का, ये जो लोकस है, आर सेकेंड लोकस जिसको कहा जाता है, उसको इस डायग्राम में थोड़ा बड़ा करके बताया गया, और माना जाता है कि यहाँ पर दो सिस्ट्रोन या दो जीन पाए जाते हैं, ए और बी, और ये दोनों जीन ही अलग अलग पॉलीपेप्टाइड जो कि मिलकर एक साथ काम करते हैं और के स्ट्रेन में प्लाक का निर्माण करते हैं। यहाँ पर ये जो सेकेंड लोकस है उसके छोटे से भाग को एनलार्ज करके बताया है। इसमें देखिए आप कितनी सारी म्यूटेशनल साइट्स बताई हैं, एक एक जो जीन होता है उसके छोटे से पार्ट में इतने सारे म्यूटेशन हो सकते हैं। तो कोई एक भी जीन कोई सिर्फ एक तरह से डिफेक्टेड नहीं होता, कई टाइप से डिफेक्ट हो सकता है। जितने पेयर हैं, डिलीशन, एडिशन, बहुत तरह के अलग अलग प्रकार के म्यूटेशन हो सकते हैं। तो अगर दो म्यूटेशन जो बहुत दूर दूर स्थित है, जैसे इस साइट पर और इस साइट पर, तो उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन की संभावना सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इतनी सारी साइट है जहाँ बीच में रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन अगर दो न्यूक्लियोटाइड बिल्कुल ही पास में अटैच हैं तो इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन की संभावना बहुत कम पाई जाती है। और बेंजर ने क्या किया, बेंजर ने तरह तरह के म्यूटेंट्स, बहुत सारे म्यूटेंट्स का आपस में रिकम्बाइन करना और फिर डिटेक्ट करना। डिटेक्ट उन्होंने कैसे किया कि अगर वापस रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी हाई है और वो वापस वाइल्ड टाइप का बना लेते हैं, ठीक है, और वाइल्ड टाइप बनते ही प्लाक का निर्माण हो जाता है के स्ट्रेन पे। इसको फिर से समझने की कोशिश कीजिए। बेंजर ने क्रोमोजोम की मैपिंग की, आर सेकेंड लोकस पर जितने भी जीन थे, दो जीन माने जाते हैं, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जितने भी न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हैं या बहुत सारे तरह के म्यूटेशन डिलीशन मैकेनिज्म का यूज़ किया उन्होंने, बार बार उन्होंने बहुत सारे म्यूटेशन किए एक ही जीन के अंदर, और उन्होंने पता लगाया कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड या कौन से जीन कितनी दूरी पर स्थित हैं। अगर रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो जीन सेपरेटली सेपरेट होते हैं, दूर स्थित होते हैं। मान लो कोई जीन यहाँ एक कोने पर है, दूसरा वाला यहाँ पर है, तो उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा पाई जाएगी, बजाय कि दो बिल्कुल न्यूक्लियोटाइड बिल्कुल पास में है, उनके बीच में पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। ज़रूरी नहीं है कि कट यहीं लगे। ठीक है, तो जैसे इसमें देखिए एक रीज़न लिया है, उसके अंदर दो म्यूटेशन है, एक ये दूर दूर स्थित है, एक इस कोने में है, एक दूसरे सिरे पर है, इनके बीच में एक ही जीन में, इसको कहते हैं इंट्राजेनिक रिकॉम्बिनेशन, एक ही जीन के बीच में रिकॉम्बिनेशन होना। पहले ये माना जाता था कि दो जीनों के बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। जीन जो हैं जितने पास होंगे, रिकॉम्बिनेशन की जो क्षमता है उतनी कम होती जाती है। तो मान लो इन दोनों के बीच में यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होता है, तो ये जब हमें रिकॉम्बिनेशन के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है, उसमें देखिए वाइल्ड टाइप वापस निर्माण हो गया है, और वाइल्ड टाइप बनते ही ये प्लाक का निर्माण कर देता है। इसको हम इजीली के लैम्डा फेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। माना गया है कि दो जीन होते हैं और दोनों ही जीन, जीन ए और बी सेकेंड लोकस पर, और दोनों ही अलग अलग पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करते हैं, और ये दोनों पॉलीपेप्टाइड मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिससे प्लाक का निर्माण होता है। अगर जैसे किसी में ए डिफेक्टेड है तो भी प्लाक नहीं बनेगा, अगर म्यूटेंट बी दूसरे में डिफेक्टेड है तो भी नहीं बनेगा, और अगर हम दोनों को साथ साथ डालते तो रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। इसका ए काम करेगा, इसका बी काम करेगा, और दोनों ही
जाकर फिर से ये भी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और फिर से एक क्लियर प्लाक का निर्माण हो जाएगा के स्ट्रेन में। ये एक और डायग्राम है, इसमें देखिए आज सेकंड लोकस अब तक याद हो जाना चाहिए T4 बैक्टीरियोफेज का। इसमें देखिए आप ये ए जीन है, इधर वाला पोर्शन बी जीन का है। ए जीन जो है इसमें डिफेक्टेड है, दोनों में, एक यहाँ एक यहाँ, केवल बी जीन यहाँ पे फंक्शन कर रहा है। तो सिर्फ बी जीन नहीं, प्लाक के निर्माण के लिए दोनों ही पॉलीपेप्टाइड की जरूरत होती है, तो यहाँ प्लाक का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये हम इकोलाई के लैम्ब्डा फेस की बात कर रहे हैं, उसी पर बी पर जो बी स्ट्रेन है इकोलाई पर, उस पर दोनों ही म्यूटेंट भी प्लाक का निर्माण करता है और वाइल्ड टाइप। अब जैसे इसमें है, इसमें बी जीन डिफेक्टेड है, एक काम कर रहा है, फिर भी प्लाक का निर्माण नहीं होगा। लेकिन अगर हम दो ऐसे फ्रेगमेंट लेते हैं जिसमें एक में ए डिफेक्टेड है, एक में बी है, तो यह अगर हम इसको कंसंट्रेशन इसकी बढ़ा देते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों के बीच में रिकॉम्बिनेशन हो जाए, और रिकॉम्बिनेशन के बाद वाइल्ड टाइप का निर्माण हो जाए, और उसके बाद जो है प्लाक का निर्माण हो जाता है। जो T4R सेकेंड सिस्टम था, एक एक्सपेरिमेंटल सिस्टम था और सैमर बेंजर के द्वारा 1950 में डेवलप किया गया था। यह क्या बताता है? यह जीन के सब स्ट्रक्चर, सिस्ट्रॉन, रेकॉन और म्यूटोन के बारे में बताता है। यह एक्सपेरिमेंटल सिस्टम है जिसमें जेनेटिक क्रॉसेस जो बैक्टीरियोफेज T4 है, उसके बहुत सारे म्यूटेंट उन्होंने बनाए, और उन म्यूटेंट जो जीन थे उनको बार बार ई कोलाई में डिटेक्ट करने की कोशिश की और पता लगाने की कोशिश की कि कितने जीन कौन थे, कितनी दूरी पर स्थित है। इसको जेनेटिक मैपिंग कहते हैं। आर सेकेंड म्यूटेंट्स प्रूव्ड फेवरेबल फॉर दिस स्टडी बिकॉज इट इज पॉसिबल टू डिटेक्ट इवन ए वेरी स्मॉल नंबर ऑफ वाइल्ड टाइप पार्टिकल अमंग ए वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ म्यूटेंट्स। ये फायदेमंद इसलिए रहा कि आपको पता है कि के स्ट्रेन पर अगर एक भी वाइल्ड टाइप रिकॉम्बिनेशन द्वारा अगर प्राप्त होता है, तो वहाँ प्लाक का निर्माण हो जाता है। इसको हम पॉसिबली बड़े आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं। और ऑन स्ट्रेन बी ऑल टाइप ऑफ प्रोजेनी, पेरेंटल, रिकॉम्बिनेंट, सब प्लाक का निर्माण करते हैं। तो हम प्रोपोर्शन देख सकते हैं, अगर हम सेम टाइप ऑफ कंसंट्रेशन दोनों में, बी में और के में डालते हैं, तो हमें पता चलता है कि के में कुछ ही प्लाक बनेंगे, बी में सारे बन रहे हैं। तो हम उन दोनों का जो अनुपात है, उसके द्वारा भी हम ज्ञात कर सकते हैं कि म्यूटेंट कितना है और वाइल्ड टाइप कितना है। द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंट्स पेरेंटल टू रिकॉम्बिनेंट्स आर दस डिटरमाइंड, एंड इन दिस वे बाय क्रॉसिंग आर सेकेंड म्यूटेंट्स इन पेयर, बेंजर वाज एबल टू मैप ए लार्ज नंबर ऑफ म्यूटेशन इन आर सेकेंड रीजन। ओके, तो ये बेंजर का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, और इसको आप समझने का प्रयास करेंगे और अच्छी तरह से लिखने का भी प्रयास करेंगे। डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू।